Hello. How are you? I'm good. How are you? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मुन्नी परदेसी। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मुन्नी परदेसी। सबसे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और फिर स्टार्ट करते हैं आज का मज़ेदार व्लॉग। आज बहुत ही ज़्यादा बिजी दिन था और काम से तो काफ़ी टाइम से आ गए थे, तकरीबन 3 बजे आ गए थे, लेकिन जो है अभी तक बिज़ी रहे हैं। कुछ छोटी मोटी मीटिंग्स थी, वो सारी अटेंड्स की हैं और अभी अभी फ्री हुए हैं। तो आज की व्लॉग में मैं आपको हमारा जो विला है ना, उसके अंदर कम्प्लीटली अंदर तक कम्प्लीट सेटिंग नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ कि ये जो अरबी लोग होते हैं किस तरह जो है कि किस तरह डिज़ाइन करते हैं अंदर वाली साइड से। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं ऑलरेडी कि वो हमारी एंट्रेंस है, आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है भाई। रोड है वहाँ से यहाँ तक आकर हम, ये पूरा डेरा बना हुआ है, ठीक है। बागात हैं यहाँ पे और वो ग्रीन लाइट क्या बोलते हैं उसको, हमने पढ़ा था, मुझे तो अभी भूल गया। तो पढ़ाई की होती तो कौन सा दुबई होना था, किसी अच्छी जगह ना पहुँच गया होते। बहरहाल जो है कि वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कुछ इस तरह का हम पढ़ते थे 8वीं की क्लास में शायद। तो ये उस तरह यहाँ पे इन्होंने बनाए हुए हैं अंदर, अभी दोबारा से जो है कि इसको कवर करेंगे और जो है कि प्लांटिंग वगैरह करेंगे, अंदर पौधे वगैरह लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये गाड़ी खड़े करने का एरिया है, पार्किंग वगैरह बनी हुई है, ठीक है। उसके अलावा ये यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने पूल सा बनाया हुआ है, यहाँ पर जो है कि इनकी इन्होंने फिशेस मछलियाँ छोड़ी हुई हैं, ठीक है। और वो जो एरिया है ना, वो असल में होता है इसके लिए जो आपका शेफ होता है उसकी वहाँ पे अकोमोडेशन वगैरह इन्होंने बनाई हुई है, ठीक है। हर किसी का डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ का मैं आपको बता रहा हूँ जो इसका। और फिर ये जो है कि मुख्तलिफ जब आपके मेहमान वगैरह आते हैं उनके लिए ये रूम वगैरह बने होते हैं, ठीक है। तो अभी इसकी जो मेन एंट्रेंस है उसमें एंटर होते हैं और आपको मैं जो है कि दिखाता हूँ अंदर का व्यू। अंदर हमारे कुछ चाइनीज़ दोस्त आए हैं और क्योंकि अभी तक सेटिंग वगैरह कोई नहीं हुई, चीज़ें बिखरी हुई हैं इधर उधर, वो जो है कि पड़े हुए हैं कोई सोफे पे, कोई किधर कोई किधर। तो इसमें सबसे पहले जो है कि ये देखें, ऊपर शीशा लगा हुआ है। सर्दियों में जाके धूप छूप पड़ती है तो आपको जो है कि ऑलरेडी जो है कि मौसम मतलब आप कमल से निकल चुके होते हैं ईजीली, और वैसे भी एसी वगैरह लगे हुए हैं काफ़ी यहाँ पे गर्मियों के लिए, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कि हरारत हो जाती है। ये जो फर्स्ट किचन है इधर, ठीक है, और इधर भी अभी चीज़ें वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, बिखरी हुई हैं। ये कल सामान वगैरह रखते रखते इन्होंने तोड़ दिया सिंक, ठीक है। इसके अलावा ये रूम है, इसको यहाँ से खोलते हैं और इंटर होते हैं अंदर। ये रूम है माशाल्लाह से एक ये दूसरी तरफ से जो है कि आप बाहर को भी निकल सकते हैं। पीछे हमारा वो स्विमिंग पूल है, आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, बाग भी है तो बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। इसका ये एक वाशरूम है और हर रूम में जो है कि ये अटैच्ड है इस तरह का वाशरूम। ये अलग से पार्टीशन आई हुई है, ठीक है इसकी। और बाकी के रूम में अभी आपको दिखाता हूँ, ये भी इसी तरह सेम सेम रूम है। इसके अलावा एक रूम यहाँ है, बिल्कुल सेम सेम है, ठीक है। यहाँ पे जो है कि आपके अगर ये पी गेस्ट वगैरह आते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जो है कि इधर भी वाशरूम है, ठीक है, और ये वैसे जो है कि गेस्ट एरिया है, लेकिन उन्होंने मीटिंग रूम बनाया हुआ है। तो पीछे जो है कि आपको पता है स्विमिंग पूल है, तो ये है कि आप खा पी के नहा धो के इंजॉय भी कर सकते हैं यहाँ पे इजीली, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ इधर 2-3 रूम और हैं, वो भी सेम है, ठीक है, तकरीबन सेम है।
तो ये इतना बड़ा विला है और इसमें ये देखें आप, अभी तक ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे। इधर भी माशाल्लाह ये जितने भी गुसलखाने वगैरह हैं या वाशरूम वगैरह हैं, बाथरूम वगैरह हैं, सब के सब सेम सेम हैं। ये इधर एक ऑफिस बनाया हुआ है, यहाँ भी एक रूम है। ये जनाब एक ऑफिस बनाया हुआ है। हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? ये लोग वगैरह अभी खाना बना रहे हैं। ये जो अगले दिन वो तोड़ गए ना फूल वगैरह, वो पक रहे हैं। अरे यहीं पर भी आता है। मैं चिंदी है, शू शमद हो शी मीफा मा। हाँ, ये कुछ वेजिटेबल लगते तो मटर है, लेकिन मटर आज चावल और सब्जी बना के खा रहे हैं। चावल और सब्जी, ये हमने इफ्तारी जो है कि प्रिपेयर की है। पकोड़े हैं, फ्रूट चाट है, चटनी है, पानी है, और ये हम है, और ये हमारी पार्टी हो रही है। इफ्तारी करने चले गए थे, अफ्तारी के बाद अभी आए हैं वापस। दोस्तों के पास गया था अफ्तारी करने, अफ्तारी वगैरह की है, अभी घर आ गया वापस। तो ये था आज का व्लॉग जो आपके साथ शेयर किया है। अंदर से आपको घर दिखाया, घर माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन अभी तक उसकी सेटिंग वगैरह नहीं हुई थी, इस वजह से जो है कि वो कोई उसकी खूबसूरती में कुछ ज़्यादा जो है कि बनाओ सिंगार नज़र नहीं आ रहा। लेकिन वो जब ऐसे ऐसे वो सब कुछ सेटलमेंट कर लेंगे तो इंशाल्लाह वो जिस तरह वो खुद खूबसूरत, इसी तरह अंदर से भी खूबसूरत नज़र आएगा। कोई भी चीज़ है उसको जब बनाओ सिंगार होता है तो वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है, तो इंशाल्लाह जो है कि वो आपको नज़र आएगी। बाकी मेरे चाइनीज़ दोस्त हैं, उनके साथ किसी किसी वक्त आपको जो है कि गपशप लगवाऊँगा। ऐसे वो बिज़ी हैं इन दिनों में, मैं खुद बिज़ी हूँ, तो जैसे ही कोई टाइम मिलता है तो इंटरव्यू वगैरह करते हैं उनका। अच्छा, एक और दोस्त थे, वो मुझसे पूछ रहे थे भैया आप चाइनीज़ कैसे समझ लेते हैं या कैसे बोल लेते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करूंगा कि चाइनीज़ मैंने कैसे सीखी है और जो है कि मुश्किल है या आसान है। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।